हाय गाइस, मैं निखिल और आप देख रहे हैं बस फ्री टेक। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रेश ऑप्शन के बारे में। डेस्कटॉप पर जब भी राइट क्लिक हम लोग करते हैं तो एक रिफ्रेश का ऑप्शन हमारे पास आता है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में, और हम उस पर क्लिक करते हैं। और साइकोलॉजी ये है कि रिफ्रेश पर क्लिक करते ही हमारे माइंड को ये सिग्नल पहुंचता है कि हमारा सिस्टम फास्ट हो रहा है, हमारे सिस्टम की स्पीड बढ़ रही है। लेकिन एक्चुअल में क्या ऐसा होता है? मैंने कई बार देखा है, इनफैक्ट कई बार क्या देखा है, हमारी खुद की हैबिट यही है, मोस्ट ऑफ द पीपल की हैबिट यही होती है कि कंप्यूटर स्टार्ट होते ही कम से कम 5-10 बार रिफ्रेश कर देना है, एक के बाद एक। और कुछ लोगों के लिए तो ये नंबर 50 बार भी हो सकता है। और जिनको पता है कि रिफ्रेश की शॉर्टकट की F5 होती है तो वो लगातार F5 दबाए रखते हैं जब तक आपका कंप्यूटर पूरी तरीके से स्टेबल ना हो जाए। लेकिन सवाल फिर से वही है, बस लैंग्वेज चेंज है। क्या सच में रिफ्रेश आपके पीसी को फास्ट करता है, आपके पीसी की स्पीड बढ़ाता है? चलिए बताते हैं आपको क्या है एक्चुअल में रिफ्रेश का यूज। गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि रिफ्रेश ऑप्शन आपके सिस्टम को फास्ट नहीं करता, ना ही ऐसा कुछ करता है कि आपके सिस्टम की रैम कैशे वगैरह क्लियर हो। इनफैक्ट आपके सिस्टम के किसी भी हार्डवेयर से रिफ्रेश ऑप्शन का लेना देना नहीं है। रिफ्रेश ऑप्शन का यूज सिर्फ इंफॉर्मेशन या फिर फोल्डर को अपडेट करने के लिए किया जाता है। डेस्कटॉप जो आपका कंप्यूटर की फर्स्ट स्क्रीन होता है, जिस पर आपके पास आइकन्स, शॉर्टकट वगैरह होते हैं, ये डेस्कटॉप भी जस्ट एक फोल्डर ही है जो आपको पता होगा कि सी ड्राइव में अवेलेबल होता है, सी ड्राइव में पाया जाता है। अब रिफ्रेश ऑप्शन का काम होता है सिर्फ इस फोल्डर को अपडेट करना, इसकी इंफॉर्मेशन को अपडेट करना। हालांकि विंडोज आपके सिस्टम के फोल्डर्स को एंड फाइल्स को ऑटोमेटिकली अपडेट करती रहती है, फिर भी विंडोज ने आपको एक फीचर यहाँ पर दिया हुआ है, इनकेस अगर इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होती है, आपका सिस्टम स्टक कर जाता है, तो आप रिफ्रेश ऑप्शन का यूज कर सकते हैं अपने इंफॉर्मेशन को, अपने फोल्डर को, फाइल्स को अपडेट करने के लिए। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर अनस्टॉल करते हैं तो उसका शॉर्टकट आइकन डेस्कटॉप पर कभी कभी रह जाता है, पूरी तरीके से नहीं जाता, लेकिन जैसे ही आप रिफ्रेश करते हैं तो चला जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि बार बार रिफ्रेश करना आपके सिस्टम को फास्ट नहीं बनाता, इनफैक्ट आपके प्रोसेसर पर एक अलग से बर्डन पैदा करता है कि इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है। लेकिन इंफॉर्मेशन अपडेट करने का बर्डन इतना भी ज्यादा नहीं होता कि प्रोसेसर हैंडल ना कर पाए। तो 100 बात की एक बात, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि रिफ्रेश करने से आपके सिस्टम की स्पीड बढ़ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टम स्टार्ट होने के बाद आप थोड़ा टाइम सिस्टम को दें, जैसे जैसे सभी एप्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी, स्टार्टअप प्रिपेयर होगा, तरीके से लोड होगा, तो आप ऑटोमेटिकली वो स्पीड गेन कर पाते हैं जिसे आपको लगता है कि आप रिफ्रेश करने से गेन कर रहे हैं। आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर की आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपके लिए नई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।